नवमी तिथि नवरात्रि का आज नौवा और आखिरी दिन, जब हम अगले 6 महीने बाद नवरात्रि के दोबारा आने का इंतजार करेंगे और इस कामना के साथ देवी को आज विदा करेंगे। और आज के दिन पूजा होती है देवी सिद्धिदात्री की। सिद्धिदात्री, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनके पूजन से मनुष्य को ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियां मिल सकती हैं। ऐसी कोई सिद्धि, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो इस देवी में नहीं है। शिव जी को भी सिद्धियां इन देवी की कृपा से ही मिली थी। इनकी कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर नारी का हुआ था, जिसकी वजह से वो अर्ध नारीश्वर कहलाते हैं। कहते हैं ब्रह्मांड की 8 महान शक्तियां हैं जो देवी सिद्धिदात्री के पूजन करने से आपको मिल सकती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इषित्व और वशित्व, ये सारी शक्तियां देवी सिद्धिदात्री की पूजन से आपको मिल जाती है। ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति 9 दिन का उपवास रखने में असमर्थ है, वो आज एकमात्र नवमी तिथि का उपवास रख ले, देवी सिद्धिदात्री का पूजन कर ले, तो 9 दिन के उपवास का पुण्य उन्हें मिलता है। तो आज के दिन पूरी श्रद्धा से देवी की आराधना कीजिए और फिर देखिए, इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपके लिए असंभव होगी।